बेटा क्या शुरू करना था? फ्रॉग। फ्रॉग स्टार्ट कर दिया था मैंने क्या? जनरल हो गया था, मार्फोलॉजी बताना था। चलिए फ्रॉग की मार्फोलॉजी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब जो हमें देखने से ही दिख जाए। सबसे पहले इनके बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बॉडी जो इनकी होती है बेटा वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। तो क्या क्या एब्सेंट होता है? नेक एंड टेल इज एब्सेंट, लेकिन टेल पाया जाता है इनके लार्वा में, एडल्ट में। नेक एंड टेल एब्सेंट, बट इन लार्वल स्टेज इनके लार्वल स्टेज क्या कहते हैं? टैडपोल। टेल क्या होती है? क्लियर हो गया इतनी बात? अब यदि मैं हेड में देखूं तो हेड इनका होता है ट्रायंगुलर, देखे होगे ऐसे दिखता है हेड कुछ, ठीक है? तो हेड कैसा होता है इनका? ट्रायंगुलर, और हेड पे ही लगी होती है इनकी, हेड के आगे लगा होता है, हेड वाले रीजन में होता है नॉस्ट्रिल, नॉट अ नोज। देखने के लिए होता है, बहुत ज्यादा सांस वांस इससे लेते नहीं है ये। क्या होता है ये? नॉस्ट्रिल। और क्या पाया जाता है हेड में बेटा? आई। और आई में क्या प्रेजेंट होता है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। पानी में मैक्सिमम रहते हैं बेटा, तो पानी से इनकी आंख खराब ना हो, इसलिए क्या पाया जाता है? निक्टिटेटिंग कई जगह लिखा है, लेकिन निक्टेटिंग भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या पार्ट खत्म हो गया इनका? हेड का, ठीक है? अब बात करते हैं बेटा ट्रंक का। अब ट्रंक, पहली बात की कई बार कलर पूछा गया है, तो इनका जो कलर होता है, कलर डॉर्सल सरफेस ग्रीन, ठीक है? ऑलिव ग्रीन कई बार लिख देते हैं, पता नहीं क्यों ऑलिव लिखते हैं। और वेंट्रल सरफेस कैसी होती है? येलो। क्लियर? अब ट्रंक को यदि हम बांटते हैं तो ट्रंक में बेटा इनके पाया जाता है, पहली चीज ट्रंक में तो पूरी बॉडी है। मार्फोलॉजी देखते हैं तो फोर लिंब और हाइंड लिंब होते हैं, फोर लिंब और हाइंड लिंब होते हैं। फोर लिंब में बेटा कितने डिजिट होते हैं? फोर डिजिट। और हाइंड लिंब में होते हैं फाइव डिजिट। और वेबी, वेबी का मतलब क्या होता है? ये जो फाइव डिजिट इनके पाए जाते हैं बेटा, इनके बीच में से जाल बनी होती है, जो किसमें हेल्प करती हैं? हेल्प इन स्विमिंग। फोर लिंब जो होती है इनकी शॉर्ट होती हैं, हाइंड लिंब इनकी कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं। क्यों लॉन्ग होती हैं? ये हेल्प इन जंप, ठीक है, हॉपिंग। या फिर इसी कहते हैं जंप में हेल्प करती हूँ। मेंढक कभी चलता नहीं है, वॉक नहीं करता है, क्यों? चाहे वो कहते नहीं मेंढक की तरफ फुदक रहे हो। चिड़िया में भी कुछ चिड़िया होती हैं, वो फुदकती हैं, ठीक है? देखो छोटा छोटा जंप लेती हैं। समझ में आ गया इतना? चलो अब थोड़ा सा मेल और फीमेल में अंतर देखते हैं, ठीक है? मेल फ्रॉग, अच्छा इतना नोट करो, फिर थोड़ा सा अंतर और बता दें, फिर बताएं मेल और फीमेल।
एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं पता है? माउथ से लेकर के एनस तक का जो कैनाल होता है उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, अब एलिमेंट्री कैनाल में तुम्हारा माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, स्टमक्स, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएंगे। इसमें सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है क्योंकि ये फूड को डायरेक्ट निगल लेता है, चीविंग नहीं करता है, चबाता नहीं है। ज़्यादा दिक्कत लग रही है बेटा, तो जाओ दवा लेके आओ। कैसे ऐसे नहीं खाऊंगा मतलब? नाश्ता किए हो तो तुम्हें यदि कोई प्रॉब्लम हो किसी डॉक्टर के पास जाना कि मेरा शरीर भारी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पैरासीटामॉल तुरंत बिना किसी से रिफ़र किए खा सकते हो। ठीक है, बता दिए दवा, ऐसे में कोई दवा किसी को नहीं कहता हूँ, कुछ भी खा लो। ठीक है, पैरासीटामॉल और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं बीका सूप, वो कभी भी अब हमेशा मैं कहता हूँ ये इमरजेंसी पिल्स होती हैं, इसको हमेशा पास में रखो, तुरंत लगे तुरंत। मैं कभी एस्प्रिन खाने को नहीं कहता हूँ, डिस्प्रिन खाने को नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनका वर्क और फंक्शन कहाँ है। ठीक है, पैरासीटामॉल बेटा ऐसी दवा है जो केजी के हिसाब से बिकती है अपने मिनिमम साइड इफेक्ट के लिए, और उससे अच्छी एंटीपायरेटिक है ही नहीं। हो गया ये, अब बात करते हैं बेटा मेल और फीमेल, मतलब फ्रॉग में क्या पाया जाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। देखो यहां पे अब कुछ चीजें बहुत क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिएगा इनको। कुछ बातें हमें नोट पॉइंट में भी मॉर्फोलॉजी में लिखवाऊंगा, ये
याद रखने के लिए, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, फ्रॉग में क्या पाया जाता है, फ्रॉग में पाया जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। तो बताते हैं बेटा, मेल और फीमेल, इसमें मेल में वोकल कॉर्ड होता है विथ वोकल सैक। ये वोकल सैक क्या करता है, इनके साउंड को रेजोनेट करता है। वोकल कॉर्ड, वोकल सैक का काम क्या है बेटा, साउंड रेजोनेटिंग, मतलब तेज कर देता है, जो तेज आवाज करते हैं। जबकि फीमेल में होता है बेटा ओनली वोकल कॉर्ड। कई बार ये सोचते हैं कि फीमेल में वोकल कॉर्ड है ही नहीं, फीमेल भी आवाज निकालती है लेकिन बहुत स्लो, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड नहीं एब्सेंट है फीमेल में, वोकल सैक एब्सेंट है। और दूसरी बात, और अगली बात बेटा, इनका जो फोर लिम्ब डिजिट होता है, फोर लिम्ब डिजिट इसमें पाया जाता है। अब स्किन इनकी मॉइस्ट है, क्यूटेनियस है, तो फिसल जाएगी। और बेटा मेल जो है फीमेल के ऊपर क्लेम करता है कई कई हफ्तों, जब तक वो क्या नहीं करती है, ओवा रिलीज नहीं करती है। तो उसको होल्ड करने के लिए इनके लिम्ब डिजिट में क्या पाया जाता है, कॉपुलेटरी पैड। जबकि फीमेल में क्या एब्सेंट होता है, फोर लिम्ब तो होता है, फोर लिम्ब प्रेजेंट बट कॉपुलेटरी पैड एब्सेंट, ठीक। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने आपको नोट पॉइंट में लिखा रहा हूं। नोट पॉइंट क्या है इनके में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन कॉपुलेटरी आर्गन या फिर सेक्स आर्गन एब्सेंट होते हैं। मतलब इसमें कोई पेनिस या फिर वेजाइना, मेल में पेनिस और फीमेल में वेजाइना एब्सेंट होता है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो भी एक्सटर्नल होता है, मतलब मेल भी स्पर्म को वाटर में रिलीज करता है, फीमेल भी ओवा को वाटर में रिलीज करते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट दोनों क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, ठीक। अगला पॉइंट इसमें बेटा क्या है इंपॉर्टेंट, बॉडी जो होता है इनका हमेशा मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है, कभी पकड़ो ना ये फिसल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला, फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता। एब्जॉर्ब बाय स्किन, यह हमेशा किससे एब्जॉर्ब करता है, यह हमेशा स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इनके स्किन का मेनी फंक्शन, स्किन का इनका फंक्शन देखोगे बेटा ना तो बहुत ज्यादा है। क्या क्या है, पहले प्रोटेक्शन फंक्शन जो स्किन का होता है, सबसे पहले बेटा कोई भी लिखे तो क्या लिखोगे, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के साथ साथ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के साथ साथ वाटर एब्जॉर्प्शन,
तो इनकी स्किन के ढेर सारे फंक्शन हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ये मॉर्फोलॉजी के ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी क्वेश्चन वो डाल देगा बेटा। ठीक है, जल्दी छापो, घर जाने का मन कर रहा है, चले जाओ, कोई बात नहीं बेटा। कल टेस्ट भी है, कोई बात नहीं है, नहीं मन कर रहा हो चले जाओ। ठीक है, ये तो नोट कर लेना, जहाँ डाउट होगा मैं बता दूंगा। यदि अंदर से फील हो रहा हो कि नहीं, बॉडी नहीं साथ दे रही है बिल्कुल, या बैठने में दिक्कत हो रही है, तो जा सकते बेटा, क्योंकि जब बॉडी नहीं साथ देगी बेटा तो फिर कहाँ से हो पाएगा ना। और ऐसा ना हो कल टेस्ट है, आज तबीयत खराब हो जाए, यदि कल टेस्ट के परफॉर्मेंस खराब हो जाए, तो ये तो बेटा तुमको रिवाइज चाहे जब कहोगे तब हो जाएगा। ये तुम लिख लेना, वीडियो क्लास से लिख लेना, नहीं तो कोई फोटो खींच के भेज देना आनंद को। ठीक है, आराम से आज रेस्ट करो, थोड़ा बहुत रिवाइज करो, कल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो। टेस्ट टाइमिंग पता है ना बेटा? 8:40। पिछली बार मैं नहीं आ पाया था, एक्सीडेंट हो गया था थोड़ा छोटा सा, इस बार मैं आ जाऊंगा बेटा 8:30 तक, मैं आ जाऊंगा 8:30 तक बेटा, क्योंकि मैं टेस्ट चाहता हूँ ना, टेस्ट में आपको हमेशा नीट की फीलिंग आए, क्वेश्चन का लेवल वैसा हो, आपके परफॉर्मेंस का लेवल भी वैसा हो, और आपको माहौल भी वैसा मिले जैसे नीट के एग्जाम में होता है। क्यों ये जो चश्मा लगा के और टेस्ट दो, आई फ्लू हुआ है बेटा, तो आप पूरे काम को महीनों के लिए छोड़ दोगे? एकाध दिन दो दिन में आई फ्लू खत्म हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, पहले दिन और पहले रात में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसके बाद तो फिर तकलीफ़ होना हो, बॉडी क्या कर लेता है, इसको एडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, एडजस्ट कर लेता है बॉडी। पहले दिन मुझे भी बहुत तकलीफ़ थी, रात में हुआ था, सुबह में क्लास लेने में बिल्कुल सर फट रहा था, कल काफ़ी रिलीफ था, आज तो ना के बराबर है। दिक्कत हो बेटा आराम तो कोई मतलब वो नहीं है, नहीं। जा सकते हो, ये तो ऐसा लगे कि मैं बैठ सकता हूँ तो बैठो, ये थोड़ा भी लगे कि नहीं मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा थोड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल लगे, नहीं आज ही की क्लास इम्पोर्टेंट है, क्लास 365 डेज है बेटा, और जैसे आपका कुछ छूट गया, आपने नोट किया, उसको नहीं समझ में आया, तो बताने के लिए तो मैं हूँ ना यार, ऐसा थोड़ी मैंने कसम खाया है कि एक बार पढ़ाने के बाद ब्रह्मा थोड़ी हूँ कि दोबारा नहीं बताऊँगा, दोबारा नहीं लिखूँगा। ठीक है, हाँ, किसी बच्चे को ऐसी कोई समस्या कभी भी लगे तो वो बिना पूछे भी जा सकता है कि सर। अच्छा एक मिनट आ रहा हूँ बेटा, इसको नोट करो फटाफट।
सिग्नेचर करना था बेटा, वो आपके टेस्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चंस मॉड्यूल सब आ गए हैं। मैं बोला था ना आ जाएगा, मैंने कहा था सर से कि जल्दी से जल्दी लाना है, कल मैं उनको मिला था। मॉड्यूल में क्वेश्चन क्वेश्चन है, कुछ थ्योरी है, ठीक है, और साथ में जो आप 32 ईयर करते हो वो है ठीक है, तो उसी लिए भेजा। 5-6-7 मॉडल होंगे, ठीक है, ठीक। मॉडल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, मॉड्यूल से क्वेश्चन देखिएगा। और क्वेश्चन कहाँ से, सबसे पहले 32 ईयर, फिर क्वेश्चन मॉड्यूल के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मॉर्फोलॉजी खत्म हो गई, मॉर्फोलॉजी खत्म होते क्या स्टार्ट होती है, एनाटॉमी। अब यदि एनाटॉमी में हम बात करते हैं बेटा, तो डिफरेंट सिस्टम्स हैं इसमें, क्योंकि इसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, क्योंकि इसमें ब्रेन भी होता है बेटा, ठीक है, ये सारे सिस्टम पाए जाते हैं। तो बात करते हैं एनाटॉमी की, एनाटॉमी में सबसे पहले बात करते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें होंगी, क्या होगी, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। आपको आज जल्दी छोड़ दिया जाए, ठीक है, सोचा है हमने भी क्लास 60 हम भी ले, और उनको भी बुला दें, राहुल सर को भी, राहुल सर आज ऑफ कर देंगे बोले हैं, तो बस मेरी क्लास है, हाँ अच्छा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा लेकर के मैं भी छोड़ दूंगा। आपकी हमेशा टेस्ट की तैयारी के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, ठीक है, ये ना लगे कि नहीं एक दिन और मिल गया होता, तो जैसे एग्जाम में लगता है कि मात्र 15 डेज, अरे फिर इस बार एम्स हो जाता है, भगवान 15 दिन के लिए एग्जाम टल जाए, क्योंकि आप इतनी अच्छे से तैयारी करते हो ना लास्ट के एक महीने में, कि वो 15 दिन आपको साल भर से ज़्यादा बेहतर लगता है, जो एग्जाम का अगला दिन होता है, जिस अगले दिन एग्जाम होता है लगता है कि बस ये 15 दिन मिल जाते ना, तो सिलेबस एक बार जो बचा था वीक वाला पूरा कर लेता बेटा। वो काम हर टेस्ट में करना शुरू कर दो ना, तो वो 15 दिन तुम्हें चाहिए ही नहीं होंगे। यदि हर टेस्ट में वही काम तुम करना शुरू कर दो एकदम एग्जाम की तरह, तो हर मॉडल में लगेगा कि एक हफ्ते मिल जाते तो बहुत अच्छा होता, फिर अगला मॉडल होगा एक हफ्ते बाद, वो तो मिल गए, फिर आपको जो वीक पॉइंट है वो सही कर लिए, साथ में रिवीजन टीचर करा ही रहा है, फिर अगला मॉडल, ऐसे बैठा 12-13 मॉडल, 2024 में 24 टेस्ट हम लोग एकदम शेड्यूल करके बना दिया है, मिल गया होगा, ठीक है। उतना टेस्ट देते देते बेटा ये मत सोचना कि टेस्ट पेपर कैसे बन पाएगा, पिछली बार टाइम ना रहते हुए भी 9-10 टेस्ट हो गया था, ठीक है, एकदम लास्ट में स्टार्ट करा के मैंने कहा कि, और टेस्ट का फायदा बेटा एग्जाम दियोगे तो लगा होगा, क्योंकि पहले टेस्ट में कितने मार्क आए थे, 115 कितने थे जो पहला दिया था, क्यों, क्योंकि गोले बहुत ज़्यादा गलत भरे थे, उल्टा सीधा, ठीक है, तो वो गलती एग्जाम में नहीं होगी, इस बार नहीं पिछली बार, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम, अब यदि फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो छोटी होती है, फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल, चलो एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, शॉर्ट, क्यों शॉर्ट होती है, बिकॉज फ्रॉग इज कॉर्निवोरस,
जो कार्निवोरस होता है बेटा वो हमेशा एनिमल प्रोटीन लेता है, एनिमल प्रोटीन लेता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एरिया कम चाहिए होता है, जबकि प्लांट प्रोटीन के लिए ज़्यादा एरिया की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि इसके हम फ्रॉग के टैडपोल की बात करें या लार्वा की बात करें, तो फ्रॉग का जो लार्वा होता है, लार्वा उसको क्या कहते हैं, टैडपोल, वो कैसा होता है बेटा, हर्बीवोरस होता है। छोटा था, घास फूस खाता था, बड़ा हुआ जानवर खाने लगा। फ्रॉग के एलिमेंट्री कैनाल में यदि हम बात करें बेटा, तो क्या क्या होता है, माउथ, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में, एक एक को डिस्क्राइब करते जा रहा हूं, आराम से बिल्कुल देखते जाना, बातचीत नहीं करना। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले माउथ। यदि मैं माउथ की बात करूं तो माउथ में इनके क्या होता है, टंग, क्या होता है इसमें, टंग। ये कैसा होता है, बाइलोब्ड, ठीक। और जो आगे का साइड होता है एंटीरियर, वो जॉइंट होता है। जो पीछे का साइड पोस्टीरियर होता है वो फ्री होता है, स्प्राउट करते हैं, ये अपनी जीभ को बाहर फेंकते हैं ऐसे, इंसेक्ट पकड़ा और सीधे गट अंदर, ठीक है। तो बेटा कैसे होता है ये, बाइलोब्ड होते हैं, एंटीरियर एंड जॉइंट और पोस्टीरियर एंड फ्री। कहोगे कुछ चीजें हैं सर ये नहीं दिया है एनसीईआरटी में, नहीं दिया है बेटा, लेकिन समरी में बता दिया है इसलिए बता रहा हूं। इसके बाद इनके माउथ में कोई भी सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती है, तो माउथ में क्या होता है बेटा, और सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट। अभी मैं केवल बात कर रहा हूं एलिमेंट्री कैनाल की, मैं कहीं भी कोई बात नहीं कर रहा हूं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। जहां डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात आएगी वो मैं बताऊंगा आपको। माउथ हो गया खत्म, माउथ के बाद क्या आता है इनमें, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में कोई खास नहीं, माउथ के बाद चला गया बक्कल कैविटी में फूड, बक्कल कैविटी से फिर ईसोफेगस में, कोई ग्लैंड नहीं, कुछ नहीं। पाइप लाइक होती है, कैसी होती है, इसके बाद कहां पहुंचा, स्टमक। ह्यूमन के स्टमक की तरह, अब ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर दिया, नहीं तो बेटा बहुत डिटेल में बताता था। स्टमक में क्या होता, क्या निकलता है इनके भी, HCl, पार्शियल डाइजेशन किसका होता है, प्रोटीन का। पूरा डाइजेशन नहीं होता बेटा, पार्शियल होता है, ह्यूमन में भी पार्शियल डाइजेशन होता है, पेप्सिन निकलता है, ठीक है, HCl के साथ। और फूड यहाँ पे चेंज हो जाता है इन फॉर्म ऑफ, अब जो फूड कहते थे या ग्रास ऊपर खा लिया, अब ग्रास ऊपर ना कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, काइम, या कुछ लोग कहते हैं चाइम, फूड चेंज इन फॉर्म ऑफ काइम। स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, हाँ बताओ बताओ बताओ, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी डियोडिनम, ठीक है, और जियोजिनम। क्यों रूमिनेंट की स्टमक जैसा रहेगा, ये कार्निवोरस है, ठीक है। और लास्ट पार्ट इलियम, यहां पे क्या आता है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है। मैंने कहा था डाइजेशन यदि इंटेस्टाइन की बात होगी सबसे ज्यादा डियोडिनम में होता है, एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा जियोजिनम में होता है,
ठीक है, इलियम में भी अब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत होता है। तो यहाँ और यहाँ क्या पाई जाएंगी बेटा, माइक्रोविलाई। क्यों पाई जाएंगी? ड्यू टू सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। यहाँ क्या क्या पाई जाएंगी? माइक्रोविलाई, जो क्या करेंगी? एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। ठीक है, इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा? रेक्टम का। बोलो, सबसे लास्ट पार्ट कौन होता है? रेक्टम का। ठीक है, रेक्टम यानी ठीक है फिकल मैटर होते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट, और उसके बाद क्या आएगा? क्लोएका। इस क्लोएका में बेटा इनमें कई चीज होती हैं। फिकल मैटर होता है, या अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं उसको, फिकल मैटर, यूरिन और स्पर्म, ये तीनों स्टोर होते हैं। यूरिन बाद में कहाँ चला जाता है? क्लोएका से यूरिनरी ब्लैडर में। बोले सर इसका मैकेनिज्म बता दीजिए। नहीं आएगा, आलतू फालतू के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। ये तो खत्म हो गया एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, फटाफट नोट करो। अब बताते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। कहाँ बीसी बेटा? बिकॉज टंग में क्या क्या लिखे हो? बाइलोब्ड के साथ साथ स्टिकी होता है बेटा, चिपका लेता है। स्टिकी होगा जो इंसेक्ट इंसेक्ट आया वो उस पे से उड़ नहीं पाता है, ड्राई नहीं होता है। अच्छा, इसी क्लास भी थोड़ा सा शॉर्ट लेंगे, ठीक है? आप लोग एग्जाम की आज तैयारी करिए बढ़िया से। खूब आप घर जा सकते हैं, यहां बैठ के पढ़ सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो। मंडे को तो ये खत्म ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। तो देखो अगले टेस्ट में जो आने वाला है उसका तीन चैप्टर बायोलॉजी, उसमें दो खत्म ही हो गया, एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बचा है बस एक, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मान के चलो 6-7 टर्न हो, आपका 15-10 दिन पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैंने क्रम वाइज लिखवा दिया है पूरा। बहुत मजा आएगा बेटा, ये जनरल, ये थोड़ा सा रटने वाला है ना, ये खत्म हो जाए जहां प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट होगा, रेस्पायरेशन वहां से, फोटोसिंथेसिस से। और जब आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कुछ रटना है, एकदम सब कुछ
बिल्कुल फैक्चुअल। नहीं बेटा वो और इजी है, तुम उसको पढ़ो तो पहले पहले पढ़ो तो, उसमें तुम्हें रटना ही नहीं है कुछ। तुमने स्टार्ट किया साइट सिंथेसिस और वर्क सब सब सिंपल है बिल्कुल। क्रैब साइकिल हो चाहे ग्लाइकोलिसिस हो, ग्लाइकोलिसिस तो अभी भी याद होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज सिक्स फास्फेट, फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट, फ्रक्टोज वन सिक्स डाई फास्फेट, फिर थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये फिर क्या है एसीटोन डाई फास्फेट, ठीक है ठीक है। टेन स्टेप पूरा, लास्ट में आके आपका बनता है पायरविक एसिड। पायरविक एसिड चेंज होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए जाता है फिर क्या बनाता है पहला सिट्रिक एसिड, फिर सिस एकोनिटिक एसिड, फिर आइसोसिट्रिक एसिड, फिर सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जलिक एसिड, खत्म हो गया। क्रैब साइकिल के साथ साथ आपका ग्लाइकोलिसिस। ईटीएस कितना आसान है, दो एक सटल सिस्टम बताओ, लास्ट एब्जॉर्प्शन फर्स्ट एब्जॉर्प्शन और बीच के कैरियर आयन, खत्म। फोटोसिंथेसिस भी उतना ही आसान है, चाहे लाइट रिएक्शन हो चाहे डार्क रिएक्शन हो। लाइट रिएक्शन में दो टाइप की चलती हैं, एक केल्विन साइकिल एक हेचेंसलेक साइकिल, जिसमें सी फोर साइकिल, केल्विन साइकिल कहते हैं सी थ्री साइकिल, सी फोर साइकिल तो चलनी ही चलनी है। अब यह है कि सी फोर सॉरी सी थ्री, सी फोर में बंडल सीथ में नॉर्मली चलती है और मीजोफिल बंडल सीथ में नहीं चलती है, सी थ्री मीजोफिल चलती है जो इनसाइड होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है सारे फिनोमेना। इसके बाद ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ रेगुलेटर, उसमें थोड़ा सा याद करने वाला है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ने के बाद आपको याद करना पड़ता है तो तकलीफ होने लगती है। उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी तो बेटा इतना अच्छा है कि क्वेश्चन तो छोड़ो, आपको चैप्टर बिल्कुल आंख बंद करोगे। अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम से स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे हुए, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के बाद इफेक्ट कैसे हुआ, इफेक्ट के बाद ग्राफ कैसे हुआ, चार कॉन्सेप्ट चैप्टर खत्म। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के बाद बेटा का क्या आ गया हर्ट, हर्ट का क्या आ गया हर्ट के सेप्टम, हर्ट का साउंड और हर्ट की साइकिल, खत्म। वही हर्ट का साइकिल ही तो है, 0.8 सेकेंड में कंप्लीट करती है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों का 0.88 सेकेंड होता है। अब उसका डायस्टोल और सिस्टोल का टाइम अलग होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आर्किल और वेंट्रिकल दोनों साथ साथ डायस्टोल हो रहे होते हैं, ठीक है, उसको ओवरलैपिंग टाइम कह देते हैं। सारा साइकिल बिल्कुल अलग अलग बना के बता दूंगा, तुम्हें कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा। बुक उठाओगे बुक में बहुत कम होगा। फिजियोलॉजी का नोट्स आपका थोड़ा सा डिटेल्ड होता है लेकिन आपको याद हो जाता है क्लास में एकदम। एक मिनट में हर्ट से कितना ब्लड पंप होता है ये, या एक घंटे में कितना होगा, या एक सेकंड में कितना होता है, सब आप कैलकुलेट कर लोगे। वहाँ रटना नहीं है, सिंपल है सब। हो गया बेटा ये तो जरा डाइजेस्टिव ग्लैंड बता दूँ, कम से कम डाइजेशन सिस्टम तो खत्म हो जाए। क्या हार्ड है लेवल बेटा? सेम मैं रखूँगा जो नीट का लेवल होता है, आपके 35 क्वेश्चन सिंगल कॉन्सेप्ट आराम से आप करते हो, थोड़ा भी लगेगा। 5 क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक, ठीक है, 5 नहीं 7 क्वेश्चन ठीक ठाक, और 7 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा हार्ड जो आता है बिल्कुल उसी तरह के। बायोलॉजी का आपके 70 क्वेश्चन तो वैसे होंगे,
सिंगल कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हो आपको आता है डायरेक्ट। इसके बाद एसर्शन रीजन पता नहीं, बताएंगे थोड़ी दे रहे हैं कि नहीं, पढ़ के आप आओ। अब ये बता दो सर, आर्थ्रोपोडा में काइटिन वाला दे रहे हैं, सेल वाला अलग क्या तो? फीकल मैटर स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है और स्पर्म स्टोर होता है। क्लोएका स्टोरिंग थोड़ा से डाउट हो तो बेटा लिख लो। और यूरिन बाद में ट्रांसफर कहाँ कर देता है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो इसमें जो किडनी से यूरेटर खुलता है बेटा, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब इसका मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो किडनी से यूरेटर निकलता है वो डायरेक्ट किस में नहीं जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में नहीं जाता है। किडनी से जो यूरेटर निकलता है वो कहाँ आता है? क्लोएका में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूरिन का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? क्लोएका से यूरिनरी ब्लैडर में। तो इसका मतलब ये है कि जो यूरेटर होगा किडनी से जो निकलेगा वो तो यूरिनरी ब्लैडर में डायरेक्ट जा ही नहीं रहा होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसके लिए वहां याद रखना। हो गया, बस अब सिंपल सा शुरू। डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये और आसान है। यहां पेप्सिन की कोई बात नहीं किया है, मैं पेप्सिन की बात नहीं करूंगा, लेकिन स्लाइट अमाउंट पे निकलता है, ठीक। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड बेटा इनका स्टार्ट कहां से होता है? इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड सेकंड हेडिंग डालना, डाइजेस्टिव ग्लैंड तो कहां से स्टार्ट होता है? पहला स्टमक, स्टमक से क्या निकलता है? HCL, पैनक्रियाटिक जूस। देखो एक निकाल दी, क्या निकला? HCL। दूसरा इनका डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो है लीवर। लीवर क्या सिंथेसाइज करता है? बाइल। ठीक है, लीवर इसमें कैसा है? बाइल लोब्ड है। सिंथेसाइज बाइल, लेकिन बाइल स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। और यही स्टोर होता है तो यहीं से क्या होता है? बाइल रिलीज होता है, सिक्रीट नहीं, रिलीज। ठीक है, गॉल ब्लैडर के बाद चौथा कौन सा है बेटा? पैनक्रियाज। प्राइम पैनक्रियाज में क्या होते हैं? सभी को डाइजेस्ट करने वाले ऑल डाइजेस्टिव जूसेस, मैक्सिमम डाइजेस्टिव जूस इसी में होते हैं, या मैक्स लिख लो। अरे यार एक चीज और, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कि पैनक्रियाज मत लिखो। बाइल का काम क्या होता है? बाइल का फंक्शन क्या होता है? क्या डाइजेस्ट करती है बाइल? फैट डाइजेस्ट कर दी ना, टोपा मूर्ख। नॉट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट, लेकिन क्या करती है? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। ये मैंने इतना अच्छे डाइजेस्टिव बताया था आपको, लैक्टेज इसके बाद बताया था, मैक्रोविलाई में बना करके देता है मिशेल्स के फॉर्म में, तब फैट का डाइजेशन होता है। घोड़े में गाल ब्लैडर नहीं होता इसलिए उसको पूरी नहीं खिलाते हैं, कि फैट इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो फैट टूटेगा ही नहीं। तो ये क्या करती है? बट इमल्सिफाई फैट। समझ में आ गया? और अगला चौथा है बेटा, कौन सा आपका है? पैनक्रियाज। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेस्टिव एंजाइम।
और ये मैक्सिमम डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसको क्या कहते हैं हम, पैनक्रियाटिक जूस। अब यहां एक गलती की है एनसीईआरटी वालों ने, उन्होंने कहा कि पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जिसको निकल जहां से निकलता है उसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। गलत, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट वहां से है जो बाइल निकल रहा होगा लीवर, और इधर से आ रहा है जो जो गाल ब्लैडर से आ रहा है। जो पैनक्रियाटिक जूस के साथ बाइल मिक्स होकर निकलता है उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट, याद है? लेकिन इन्होंने लिखा है तो भैया आप भी वही कहो। नोट पॉइंट, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन डियोडिनम। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल इज कॉमन डक्ट। कौन सी है, कौन सी है? बाइल डक्ट नहीं है। कौन सी कॉमन डक्ट, कौन सी है? सिस्टिक डक्ट। यदि ये मिल जाए ऑप्शन में तो फिर बेटा बाइल डक्ट मत लगाना, यदि ये नहीं है तो कौन सा लगाओगे? बाइल डक्ट। ये कहां ओपन होती है? ओपन इन डियोडिनम, ठीक है? सारे हो गए। फिर थोड़े से एंजाइम कहां से निकलते हैं? इंटेस्टाइन से। उनको क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन से कुछ एंजाइम निकले, उनको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और आपकी खत्म हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। फटाफट नोट करो, एकदम आसान था, फटाफट नोट करिए। देखो बेटा पॉइंट वाइज लिखा दिया ना, अब एकदम आप आराम से इसको कर सकते हो। क्या हाँ, अच्छा जब वो माउथ में फूड को ले ही नहीं रहा है तो कौन सी डाइजेस्टिव, अच्छा माउथ में और कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड को छोड़ के? दुनिया में किसी के माउथ में सलाइवरी ग्लैंड को छोड़ के और कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है? कोई नहीं। तो जब जब सलाइवरी ही नहीं है तो और कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी? तो मैस्टिकेटिंग फूड तो होता ही नहीं ना बेटा, सलाइवरी ग्लैंड का फायदा क्या होगा? बेटा फिगर देख लेना फ्रॉग का, ठीक है? माउथ बक्कल कैविटी और फेरिंग्स नहीं दिया है, डायरेक्ट ईसोफेगस से इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर दिया हुआ है, जिसमें गाल ब्लेडर आपको दिखेगा, हर्ट दिखेगा, लंग्स दिखेगा, किडनी दिखेगा, फैट बॉडी दिखेगी, यूरेटर, ठीक है? इसके बाद आप देखोगे यहीं पे क्लोएका, रेक्टम, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। क्या पॉइंट एरो किया हूँ कि बाइल रिलीज भी होता है गाल ब्लैडर से, स्टोर होगा तो वहीं से क्या होता है, रिलीज होता है बाइल।
आज सुबह में सबसे पहले कौन आया था यहाँ पे? कुछ बना था बोर्ड पे? क्या बना था? अच्छा, स्टॉक मार्केट वालों का था। मैं तो बना के गया था एग्जॉन इंट्रॉन, और वो पढ़ा रहे ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th में। स्टॉक मार्केटिंग फिजिक्स थोड़ा सा स्यूडो फोर्स पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है? हो गया बेटा, बुक निकालो फटाफट और मार्फोलॉजी देखो फ्रॉग की। हेड ट्रंक आई फोर लिंब हाइंड लिंब, ठीक है? दिखा फ्रॉग की मार्फोलॉजी, हेड ट्रंक आई फोर लिंब हाइंड लिंब, सबके बारे में बताई दिया है। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। स्किन इज ऑलवेज मेंटेन द मॉइस्ट कंडीशन। द कलर ऑफ डार्सल बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद द डार्क रेगुलर स्पॉट्स एंड द वेंट्रल साइड इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब देयर थ्रू द स्किन। क्लियर हो गई इतनी बात? बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेबल इंटू हेड एंड ट्रंक। द नेक एंड टेल आर एबसेंट। एबव द माउथ पेयर ऑफ द नॉस्टिल इज प्रेजेंट। आई आर बल्ज्ड, बल्ज मतलब बाहर थोड़ी सी निकली हुई आइज होती हैं, ठीक है? जैसे कौन सी मूवी थी एक, हंगामा, देखा है किसी ने? उसमें था, उसमें देखा था अरशद वारसी की आंख देखे कहता कि इसकी आंख देखो मेढक जैसी है, मतलब बल्जी आइज, बाहर निकली हुई आइज होती हैं, ठीक है? इसके बाद एबव द माउथ एंड द नॉस्टिल प्रेजेंट। द बग्ड आई इज कवर्ड बाई द निक्टिटेटिंग। मैंने कहा था निक्टिटेटिंग होगा तो भी सही है, निक्टिटेटिंग भी होगा तो भी सही है, बता दिया था पहले ही, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोसेस देम वाइल इन अ वाटर। क्यों है ये? क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं? पानी में, तो आँख में पानी ना घुस जाए बेटा, इसलिए होता है। द आइदर साइड ऑफ आई अ मेम्ब्रेन ऑफ द टेम्पेनम ईयर। इनमें ईयर जो पाया जाता है वो आपको जनरल फॉर्म में बताया गया था एम्फीबिया में, तो लिख लो इनमें क्या होता है, टिम्पेनम ईयर होता है। And receive the signal. The forelimb and hind limb help in the swimming, walking, lapping and burrowing. The hind limb and the hind limb end the five digit, which larger and muscular, and forelimb end is the forelimb. कह रहे हैं कि hind limb में कितनी digit हैं? पाँच, four, और किसमें हैं? Four digit में चार। Hind limb जो होता है थोड़ा muscular होता है क्योंकि jump करने में ज़्यादा help देता है बेटा, ठीक है? फोर फीट वे फीट हैव, फीट मतलब हाइंड लिम्ब हैव द वेबी डिजिट हेल्प इन द स्विमिंग।
फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड आल्सो कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब. तो बेटा इनका जो कॉपुलेटरी पैड होता है कहाँ पाया जाता है, फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में पाया जाता है. क्लियर हो गई इतनी बात. और क्या एबसेंट होता है, एबसेंट होता है ये फीमेल फ्रॉग में. क्या एबसेंट होता है बेटा, कॉपुलेटरी पैड. अब एनाटॉमी की बात करते हैं. बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एक्युमुलेटेड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. अब सबसे बड़ा बेटा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही था और सर्कुलेटरी है. देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग आर द कार्निवोरस एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड. द माउथ ओपन इन टू वक्कल कैविटी एंड द लीड टू ओसोफेगस थ्रू द फेरिंग्स. ईसोफेगस इज शॉर्ट ट्यूब एंड ओपन इन टू स्टमक एंड इज टर्न कॉन्स्टिट्यूएंट इंटेस्टाइन रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटसाइड द क्लोएका. लीवर सिक्रीट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गार्ड ब्लैडर. तो बेटा सिंथेसाइज कहाँ होती है, लीवर में. सिक्रीट कहाँ से होती है, लीवर में. रिलीज कहाँ से होती है, जहाँ स्टोर होती है, ठीक है, गाल ब्लैडर से. क्लियर हो गई इतनी बात. लीवर सिक्रीट गाल ब्लैडर. पैनक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम. फूड इज कैप्चर्ड बाई बाइलोब्ड टंग. डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस टू एक्शन ऑफ एससीएल एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक. तो स्टमक से क्या क्या निकलता है बेटा, SCL और कुछ गैस्ट्रिक जूस. तो SCL के साथ साथ लिख लो बेटा यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस. लीवर से सिंथेसाइज एंड सिक्रीट्स. मैंने कहा था कभी भी गाल ब्लैडर से सिक्रीट मत लिखना बेटा. जहाँ सिंथेसाइज होगा वहीं से सिक्रीशन होगा, जहाँ स्टोर होगा वो रिलीज करेगा. ठीक, आगे देखिएगा. पार्सली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइम. इज पास्ड फ्रॉम द स्टमक इन फर्स्ट पार्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन डियोडिनम एंड द डियोडिनम रिसीव बाइल फ्रॉम गाल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज इन कॉमन बाइल डक्ट. यदि सिस्टिक डक्ट होगा तो वो बेस्ट होगा बेटा. सिस्टिक डक्ट नहीं होगा तो क्या लगाएंगे हम, कॉमन बाइल डक्ट. बाइल इमल्सिफाई द फैट एंड पैनक्रियाजिक जूस डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन. फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन. डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब बाई न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड माइक्रोविलाई. अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव फ्रॉम रेक्टम टू पास आउट द क्लोएका. ठीक है, अब आ जाएगा अगला रेस्पायरेटरी सिस्टम. मंडे को बेटा ये खत्म हो जाएगा चैप्टर. ठीक है.